गुड मॉर्निंग, मैं सर्वेश वर्धन। आज न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड कुछ स्पेशल प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं। आज की क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें पुली की संख्या इनफिनाइट होगी। पुली मासलेस होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, इसको जरा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें सारे रिजल्ट एटवुड मशीन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम आप देखिए, जैसा कि फिगर में दिखलाया गया है, फिगर में है कि ये सीलिंग है, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पुलीज हैं, इसमें जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे के मास सेम हैं, सबकी मास एम है, ठीक है। इस तरह से हैंग कर दिया गया है, और जब रिस्ट से रिलीज कर किया जाता है तो ब्लॉक ए का कितना एक्सेलेरेशन होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम किस तरह से प्रॉब्लम सोचें, जरा इसको जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, इस घेरे के अंदर जो एक सेट है, पुली का सेट है, इस घेरे के अंदर जो पुली का सेट है, इसका हम इफेक्टिव मास डिफाइन करना चाहते हैं। अब आप इफेक्टिव मास कैसे सोचे, जरा उसको समझिए। इसका इफेक्टिव मास का मतलब होता है कि इस पूरे पार्ट को हम स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम इसको हैंग कर देते हैं, जो रीडिंग होगा वो हमारा इफेक्टिव मास होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका इफेक्टिव मास, क्योंकि सब जो है एम के टर्म में है, तो हम मान लेते हैं कि इसका इफेक्टिव मास जो है वो के एम है, जहाँ के एक रियल नंबर है, ठीक है, कोफिशियंट है, रियल नंबर है, ठीक है। तो हम इस पूरे सिस्टम का हम इफेक्टिव मास के एम लिख सकते हैं। अब जरा इस सेट को, एक सेट को छोड़ दीजिए, आप इस सेट को आप देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए इन्फिनाइट तक। अब चूँकि इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनाइट पुली है, उसमें से एक पुली को या दो पुली को अगर हम लीव भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो बाकी जो सेट होगा, बाकी जो जो सिस्टम बनेगा, इस पूरे सिस्टम का भी इफेक्टिव मास के एम ही होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें पुली की संख्या इन्फिनाइट है, तो हम यहाँ से इस ग्रुप का भी हम इफेक्टिव मास के एम ही कह सकते हैं। अब हमारा ये पूरा अरेंजमेंट को हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये मैंने ये एम मास है, ये एम मास का ब्लॉक है, ये पुली को कंसीडर किया है मैंने फिगर में, ये एम मास का ब्लॉक है, और इस पूरे सेट के बदले में जो इफेक्टिव मास के एम है, तो हम के एम इफेक्टिव मास का एक ब्लॉक हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और मान रहे हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ ए है। तो चूंकि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है और ये पुली फिक्स्ड है, तो ये बगल में जो ये ब्लॉक के एम मास का होगा उसका भी एक्सेलेरेशन ए ही होगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये इस फिगर में आप देख लीजिए, ठीक है। टेंशन हमने यहाँ टी माना है, यहाँ टी होगा, तो टी है यहाँ टी बाई टू, यहाँ टी बाई टू हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ टी बाई टू होगा, तो फिर यहाँ टी बाई फोर, यहाँ टी बाई फोर, ठीक है, फिर टी वाई एट, यहाँ टी वाई एट टूट जाता है, यहाँ इस पुली पे टेंशन का वैल्यू टूट जाता है दो इक्वल पार्ट में, तो उसी को हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा अरेंजमेंट एक तैयार हो जाएगा, और यहाँ से एक एटवुड मशीन का ये फिगर है, और टेंशन के लिए फार्मूला आप जानते होंगे, एटवुड मशीन के लिए 2m1 m2 / m1 + m2 × g होता है, तो 2 ये km m बटा km m g, ये टेंशन का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब हमारा जो सेकंड सेट है, ये सेकंड सेट का मतलब हम इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, इसके बारे में इतना, ठीक है। इसमें से इस पुली को मैंने एक्सप्रेस किया है सेकंड फिगर में, इस पुली को जो ए एक्सेलेरेशन से नीचे की ओर जा रहा है, ये ब्लॉक को दिखाया गया है, और इतना के बदले में जो इफेक्टिव मास हम के एम माने हैं, वो इस पूरे सेट को हटा करके हम के एम मास का एक ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने ये के एम मास का ब्लॉक कंसीडर किया, ये एम है, ठीक है, और ये पुली है,
जो पुली ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम यहाँ से टेंशन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इस पुली के रेस्पेक्ट में हम सोचते हैं, पुली के रेस्पेक्ट में इस तरह से, इन द फ्रेम ऑफ पुली, इन द फ्रेम ऑफ, फ्रेम ऑफ पुली। जब आप देखेंगे तो इस ब्लॉक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, एक शीडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये पुली नीचे की ओर तरफ जा रहा है, तो एक शीडो फोर्स लगेगा ma ऊपर की तरफ लगेगा, और हम अगर उसको नीचे की तरफ एक्सप्रेस करेंगे तो हम यहाँ से g माइनस ए लिख सकते हैं। इसका मास है m और ये दूसरा इसका मास है के एम, ठीक है। स्पेस ठीक उसी तरह से इसका मास ये हो गया, फोर्स हो गया एम के एम, के एम इंटू जी, के एम इंटू जी, और फिर एक जीरो फोर्स होगा के एम इंटू ए, तो यहाँ से हम के एम इंटू जी माइनस ए लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें टेंशन टी बाई टू है, इसमें टेंशन टी बाई टू है, तो टी बाई टू का फॉर्मूला भी हम ये एटवुड मशीन वाला अब लगा सकते हैं। जहाँ ध्यान से देखेंगे आप कि जहाँ जी था, जैसे इस प्रॉब्लम में यहाँ पे एम जी है, यहाँ पे के एम इंटू जी है, इस फिगर में अंतर क्या है कि इस जी के जगह पर यहाँ जी माइनस ए है, टेंशन का वैल्यू यहाँ टी बाई टू है। तो फार्मूला ये हम टेंशन निकालने के लिए 2m1 m2 by m1 plus m2 into g के जगह पर हम g माइनस ए अप्लाई करेंगे, सिमिलर फार्मूला। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं t by 2 is equal to 2 km into m by km प्लस एम इंटू जी के जगह पर जी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू आ गया 4 के एम बाय के प्लस 1 इंटू जी माइनस ए, ये फार्मूला आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इक्वेशन नंबर 1 में हमारा ये था, इक्वेशन नंबर 1 में भी टेंशन की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 में भी टेंशन का वैल्यू निकाला है, ये दोनों टेंशन की वैल्यू सेम होगा। तो हम दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना हो गया 2 के एम बाय के प्लस 1 इंटू जी इज इक्वल टू 4 के एम बाय के प्लस 1 इंटू g माइनस ए, यहाँ से कट जाएगा g, तो यहाँ से आएगा g इज इक्वल टू 2g माइनस ए, तो 2a इज इक्वल टू g, a इज इक्वल टू g बाई 2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा g बाई 2 यहाँ से कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोगों का हो सकता है, इसे पूछ सकता है, वो है इनफाइनाइट ब्लॉक्स होंगे, लेकिन ब्लॉक के जो मास होंगे वो जीपी में होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, एम है, यहाँ से 2m हो गया, 4m हो गया,
8m हो गया, मतलब इस ब्लॉक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस ब्लॉक के मास को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस ब्लॉक के मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक पार्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके अगर मास अगर रहता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से डील कर सकते हैं। यहाँ से ये पूरा का सेट को, सेट का इफेक्टिव मास हम मान लेते हैं कि KM है। अब KM में क्या क्या सेट है जरा देख लीजिए आप। KM जो हम इसको माने हैं इफेक्टिव मास इस पूरे सेट का, उसका पहला मास है 2m, उसके बाद 4m, उसके बाद 8m, मतलब जो सेट है वो हमारा देखिए यहाँ पे सेट है इसका 2m से शुरू होता है 2m, उसके बाद अगला मास है 4m, उसके बाद है 8m, उसके बाद 16m, इस तरह से। और इस पूरे का जो हमने इफेक्टिव इस ग्रुप का जो इफेक्टिव मास कंसीडर किया है माना है वो KM है, ठीक है। फिर इसमें आप देख लीजिए इस वाले में इसका ग्रुप का पहला क्या है, पहला है मास 4m, ठीक है, इसका है 8m, 16m, 32m, इस तरह से इनफिनाइट सेट है, ठीक है। अब इसका क्या होगा इफेक्टिव मास वो हम लोग को देखना है। तो इस पूरे सेट का 2m, 4m, 8m और 16m का पूरे सेट का, मतलब ये पूरा ग्रुप का, अगर हम इसका इफेक्टिव अगर KM माने हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इस ग्रुप में, ये जो फर्स्ट ग्रुप जो ये यहाँ पर है, सो ये देखिए इस ग्रुप में अगर हम m के जगह पर 2m लिख दें तो ये ग्रुप हो जाएगा। इस m के जगह पर 2m लिख दें तो ये ग्रुप हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इसका इफेक्टिव मास अगर KM है, ठीक है, तो इस ग्रुप का इफेक्टिव मास K इंटू 2m होना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि पूरे सेट का अगर हम इफेक्टिव मास की वैल्यू KM लिखते हैं तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करें इन्फिनिटी तक तो उसका इफेक्टिव मास K इंटू 2m होगा, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करके इस तरह से अरेंज करते हैं। मैंने ये पहला पुली दिखाया है, ये इसमें इधर मास m, इसका इफेक्टिव मास मैंने KM माना है, तो राइट साइड में मैंने KM दिखा दिया है। ये एटवुड मशीन है, एक्सेलेरेशन इसका a का ऊपर की तरफ, तो ये जो पुली है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में a से मूव करेगा क्योंकि ये पुली फिक्स्ड है। टेंशन का वैल्यू ये फार्मूला लगाएंगे एटवुड वाला, 2m1m2/m2 × g, तो ये फार्मूला हमने लिख दिया। ये टेंशन का फार्मूला, टेंशन का वैल्यू ये फाइंड कर लिया। ठीक उसी तरह से इस पुली को मैंने दिखलाया है, इसके लेफ्ट साइड में ये 2m मास है और राइट साइड में जो इफेक्टिव होगा वो K इंटू 2m होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमने 2m, ये हो गया 2km, इस पुली का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये a, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन द फ्रेम ऑफ पुली, इन द फ्रेम ऑफ पुली, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा ये। तो इस लेफ्ट वाले पे जो फोर्स लगेगा लेफ्ट वाले ब्लॉक पे वो हमारा होगा 2m, शीरो फोर्स ऊपर लगेगा, कंपोनेंट नीचे तो लेंगे तो हो जाएगा g-a, ठीक उसी तरह से इसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2km, 2km, 2km g-a, ठीक है, g-a। टेंशन का वैल्यू यहाँ पे T/2, यहाँ पे टेंशन का वैल्यू T/2, और ठीक उसी तरह से हम टेंशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं
टी वाई टू इज इक्वल टू टू इंटू टू एम इंटू टू के एम बाय टू एम प्लस टू के एम इंटू जी माइनस ए। ये हो गया t का वैल्यू हो गया हमारा 8 के एम बाय के प्लस 1 इंटू जी माइनस ए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से है तो यहाँ सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आ गया यहाँ से 2 के एम बाय के प्लस 1 इंटू जी राइट साइड में हो गया 8 के एम बाय के प्लस 1 इंटू जी माइनस ए। यहाँ से के एम से के एम कट जाएगा, प्लस 1 कट जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा तो जी इज इक्वल टू 4 जी माइनस 4 ए। ये हो गया 4 ए इज इक्वल टू हो गया 3 जी, 4 ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 जी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी 3 जी बाई 4। इतना एक्सलेशन हमारा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स डील कर सकते हैं। इसी दो तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जैसा मैंने एग्जांपल दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।